स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के यूट्यूब चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिसमें सीजीएल के पिछले 5 से 10 साल के जो क्वेश्चंस रिपीटेडली हमें पूछे जाते हैं वो हम वीडियो आज कवर करेंगे। ये पहला पार्ट होगा वीडियो का, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, तो दो वीडियोज में हम ये क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए एसएससी के लिए तो फायदेमंद है ही है, इसके साथ साथ अगर आप स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि अगर कोई पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस सेम होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। वीडियो में हम सारे शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन बोलता है एवरेज वेट ऑफ 3 men इज इंक्रीज बाय 4 kg व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 100 kg इज रिप्लेस बाय अनदर मैन, व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू मैन। ठीक है, 3 बंदे हैं, कहते उनका वेट एवरेज वेट 4 kg इंक्रीज होगा अगर उनमें से एक बंदा जिसका वेट 100 kg है वो रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे बंदे के साथ। अब हमें जो मेन कॉन्सेप्ट दोस्तों याद रखना है एवरेज के अंदर वो क्या है जी, एवरेज इफेक्ट इंटू टोटल ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू टोटल इफेक्ट। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस पहले बनाई हुई हैं, तो जिसको ये कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना है वो वीडियोस में जाके समझ सकता है। तो अब आइए इसको इंप्लीमेंट करते हैं। एवरेज इफेक्ट का मतलब है भी कितना एवरेज के अंदर चेंज आया। देखो उसने बोला 4 kg इंक्रीज हो रहा, तो एवरेज इफेक्ट कितना हो गया 4। टोटल ऑब्जर्वेशन ग्रुप में बंदे तो 3 ही है जी, तो टोटल बंदे कितने रहेंगे 3, तो टोटल इफेक्ट आया 12। टोटल इफेक्ट का मतलब दोस्तों ये बनता है कि ग्रुप किसी बंदे के आने से या जाने से टोटल में कितना चेंज आया ग्रुप के, तो वो टोटल में चेंज कितना है जी 12। अब क्योंकि एवरेज इंक्रीज हुई है इसका मतलब जो नया बंदा आया होगा वो एक्स्ट्रा लेके आया वैल्यू कुछ, तो कितनी एक्स्ट्रा लेके आया है वो 12 kg एक्स्ट्रा लेके आया है, जो बंदा छोड़ के जा रहा है उससे 12 kg। तो छोड़ के कौन जा रहा है जी 100 kg वाला, और ये 12 kg एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तो इसका वेट कितना हुआ है जी 112 किलो। ठीक है जी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बनता है जी इस क्वेश्चन का। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ऑर्ली क्वेश्चन होगा एग्जाम के अंदर ही। आप आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर्स जिनकी एवरेज 32 है, अगर इसमें से 2 नंबर 29 और 31 ठीक है जी है, तो बाकी जो बचे नंबर्स उनकी एवरेज हमें कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है जी, अब देखिए डिटेल मेथड क्या बोलता है। 20 × 30 20 नंबर है जी, एवरेज कितनी है 32, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 × 32 और ये बन रहा हमारे लिए 640। अब इसमें से 2 नंबर्स हमने क्या करने हैं जी, कौन कौन से हैं 29 और 31, इनको निकाल दिया। 29 और 31 का टोटल कितना बनता है जी इसके अंदर 60 बनता है, 29 और 31 का टोटल वो हमने माइनस कर दिया, कितना बचा हमारे पास 580 बचा। तो बाकी जो नंबर्स बचे उनका टोटल 580, अब इनकी एवरेज हमें निकालनी है, तो ये कितना आ जाएगा 580 डिवाइडेड बाय नंबर्स कितने रह गए अब 18, तो 580 बाय 18 जब हम सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा दोस्तों 32.2। ठीक है जी, अब इसमें भी हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर यूज किया था। ठीक है, विच इज एवरेज इफेक्ट। ठीक है जी, एवरेज इफेक्ट इनटू टोटल ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू चेंज इन ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, आइए अब उसको यूज करके देखते हैं अब कैसे हम उस क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास टोटल 20 टर्म्स थी, इसमें से हमने 2 टर्म्स को छोड़ना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बची थी 18। हमें एवरेज इफेक्ट पता नहीं जी कितना होगा। ठीक है जी, अब टोटल इफेक्ट अगर हम देखें, टोटल इफेक्ट हमारा कितना निकल रहा है जी इसके अंदर 4, क्योंकि 29 और 30 की एवरेज कितनी बनती है जी 30 बनती है। 29 और 30 की एवरेज कितनी है 30, और ओरिजिनल जो एवरेज थी वो कितनी थी 32, मतलब पर ऑब्जर्वेशन 2 का डिफरेंस निकल रहा है। तो 2 टर्म्स अगर हम छोड़ेंगे तो उनका टोटल कितना निकलेगा 4 का फर्क पड़ेगा टोटल इफेक्ट, तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज इफेक्ट आ जाएगा 4/18 यानी कि 2/9, और 2/9 कितना होता है 0.22। ठीक है, मतलब इतनी वैल्यू जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो कितनी एवरेज थी पुरानी 32, और उसमें हम 0.22 इंक्रीज कर देंगे तो कितनी बन जाएगी 32.2। ये हमारा सेकंड तरीका बनता है, विच इज एवरेज इफेक्ट इनटू टोटल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू टोटल इफेक्ट।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरेज मंथली इनकम ऑफ फादर एंड मदर हमें गिवन है जी कितनी 5000, ठीक है। एवरेज मंथली इनकम ऑफ मदर एंड सन कितनी गिवन है 6000, और एवरेज मंथली इनकम ऑफ फादर एंड सन कितनी है 10000, ठीक है। हमें मंथली इनकम ऑफ फादर पता करनी है, तो फादर और मदर का टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, एवरेज उनकी 5000 है तो टोटल 10000 हो जाएगा जी। सिमिलरली मदर और सन का एवरेज 6000 है, तो मदर और सन का टोटल जब मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा, और फादर और सन की एवरेज 10000 है तो फादर और सन का टोटल कितना हो जाएगा जी 20000 हो जाएगा। अब इनका टोटल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 times ऑफ फादर प्लस मदर प्लस सन, ठीक है जी, ये बन गया 42000। तो फादर प्लस मदर प्लस सन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 21000। इन तीनों का टोटल हमें सैलरी पता लग गई, हमें निकालनी किसकी है, फादर की सैलरी ये हमें कैलकुलेट करना है, तो मदर प्लस सन की जो भी वैल्यू हम पुट कर देंगे और वो वैल्यू हमें कितनी गिवन है जी 12000। तो यहाँ पे 12000 पुट करके 21000 में से माइनस करेंगे, तो 21000 में से 12000 माइनस करेंगे तो फादर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 9000। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनने का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक योगा सेंटर जिसमें 60% मेंबर्स क्या हैं दोस्तों मेन, एंड 40% क्या हैं वुमेन, यानी मेन और वुमेन की अगर मैं रेशियो निकालूं तो 3:2 बनती है जी नंबर ऑफ पर्सन की। एवरेज ऑफ मेन हमें गिवन है 55 years और एवरेज ऑफ वुमेन गिवन है हमें 45 years। हमें टोटल एवरेज निकालनी है, तो टोटल एवरेज के लिए वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे N1W1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 55 into 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 165, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 45 into 2 90 अपॉन N1 plus N2, टोटल मेंबर्स कितने हमारे पास 5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 255 अपॉन 5, तो आंसर इज 51। तो कंबाइंड एवरेज दोनों ग्रुप्स की मिला के कितनी होगी दोस्तों 51 बनेगी जी। आइए अगला क्वेश्चन। एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, एक स्कूल के अंदर 40 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 52 केजी है, अगर टीचर के वेट को भी इंक्लूड किया जाए तो एवरेज वेट बढ़ जाता है जी 500 ग्राम हमें वेट ऑफ टीचर। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एवरेज इफेक्ट वाला दोस्तों, एवरेज इफेक्ट इनटू टोटल ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू टोटल इफेक्ट। अब एवरेज इफेक्ट कितना आया 500 ग्राम बढ़ गया यानी कि 0.5 kg, आधा किलो जी। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 40 स्टूडेंट्स थे और एक टीचर इंक्लूड हो गया जी, तो टोटल ऑब्जर्वेशन होगी 41, तो ये टोटल इफेक्ट कितना आएगा 20.5 का टोटल इफेक्ट, यानी जो टीचर आया वो इतना वेट एक्स्ट्रा लेके आया, ठीक है जी, क्लास की एवरेज से। तो क्लास की एवरेज हमें पहले से गिवन थी 52, ठीक है जी, और उसमें से वो उसमें 20.5 टीचर एक्स्ट्रा ले आया, तो 52 में 20.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 72.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 बंदे हैं जी फैमिली के अंदर, उनकी एवरेज एज 25 साल, इसमें से जो यंगेस्ट मेंबर है उसकी उम्र कितनी है जी 4 साल। हमें बताना है फैमिली की एवरेज एज कितनी थी बिफोर द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर, यंगेस्ट मेंबर के बर्थ से पहले की बात कर रहा है जी वो। तो अब देखिए अगर आप टोटल निकालें 25 बंदे, 25 साल उम्र है, 6 बंदे हैं जी, तो टोटल इनका कितना बनता है 150, ये 6 बंदों का टोटल है। इसमें जो यंगेस्ट मेंबर है दोस्तों वो 4 साल का जी, तो अगर मैं उसको हटा दूं ग्रुप में से तो बाकी बचे जो मेंबर्स हैं उनकी 5 बंदों की टोटल एज प्रेजेंट में कितनी हो गई जी 146, ये 5 बंदों की टोटल एज है। तो इनकी एवरेज एज निकालने प्रेजेंट में, तो इनकी एवरेज एज प्रेजेंट कितनी बन जाएगी 146/5 बनेगी जी, और ये 146/5 कितना होता है हमारे लिए, ठीक है जी 5 2s are 10, ठीक है 4 6 5 9s are 45 1s, 29.2 years बनती है इनकी प्रेजेंट एवरेज एज, कितने बंदों की 5। अब हमें बताना है इनकी ही एवरेज एज आज से 4 साल पहले जब यंगेस्ट मेंबर का बर्थ हुआ, तो जब 4 साल पीछे जाएंगे तो इनकी एवरेज एज में भी 4 साल का डिफरेंस आ जाएगा जी, तो मैं इसमें से 29.2 में से 4 क्या कर दूंगा माइनस, तो मेरा आंसर कितना मिलेगा मुझे 25.2 years, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मुझे मिलेगा जी। आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं जी।
मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 9.61 और 3.61 का। दोस्तों मीन प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू रूट ए सी। बी यानी कि मीन प्रोपोर्शन और ए एंड सी हमें ये वैल्यूज गिवन है। तो वैल्यूज पुट करेंगे 9.61 इंटू 3.61, ठीक है जी, डेसिमल हटाया 961 इंटू 361 अपॉन 10,000 बन जाएगा जी। 961 का स्क्वायर रूट करेंगे वो होता है जी 31 और 361 का होता है जी 19, ठीक है जी, बाय 100, ठीक है जी। 31 इंटू 19 बाय 100 करेंगे ये 589 बाय 100 आ गया। 589 बाय 100 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे लिए 5.89। तो मीन प्रोपोर्शन कितना बना हमारे लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लास जिसके अंदर कितने स्टूडेंट हैं जी, 37 स्टूडेंट, जिसमें कि 22 गर्ल्स हैं। गर्ल्स का एवरेज वेट 46 है और पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो 50 केजी है। हमें बॉयज का वेट निकालना है, तो बहुत सिंपल है, टोटल क्लास के वेट में से गर्ल्स का वेट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं जी। अब टोटल बच्चे कितने हैं जी क्लास के अंदर, 37, और पूरी क्लास का वेट कितना है एवरेज 50, तो 37 इंटू 50 करेंगे ये आ जाएगा 1850। ये टोटल आ गया जी पूरी क्लास का। और गर्ल्स का हमें अलग से गिवन है जी, गर्ल्स कितनी है 22 और उनका एवरेज कितना गिवन है 46, तो 22 इंटू 46 जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बनता है जी 1012। माइनस करने पे हमें मिल रहा है जी 838, ये बॉयज का वेट आ गया। और बॉयज की गिनती कितनी हुई दोस्तों, 37 में से 22 गर्ल्स थी तो 15 बॉयज हुए। एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना आ जाएगा 838 बाय 15, यानी कि 55.87 ये हमारा एवरेज वेट ऑफ बॉयज आ जाएगा। अब ये होगा इसका डिटेल्ड मेथड। अब दोस्तों बात करते हैं शॉर्टकट की। शॉर्टकट देखिए, जो हमें पूरी क्लास का एवरेज वेट है वो कितना दे रखा है, 50 केजी, ठीक है जी। गर्ल्स का एवरेज वेट कितना दे रखा है दोस्तों, 46, यानी कि हर गर्ल का 4 केजी का नुकसान हो रहा है एवरेज के एवरेज से, ठीक है। तो टोटल नुकसान कितना हो जाएगा, 22 गर्ल्स हैं, हर गर्ल का 4 केजी वेट कम है, तो 88 केजी का नुकसान हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये जो नुकसान है 88 केजी का, ये हमें कहां से पूरा करना पड़ेगा, जितने बॉयज हैं, तो बॉयज कितने हैं दोस्तों 15, ठीक है जी। तो 88 बाय 15 करेंगे, यहां से हमें पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज बॉयज को कितना एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। तो 88 बाय 15 करने पे 5.87 आता है, मतलब हर बॉय को एवरेज से इतना वेट एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। तो बॉयज की एवरेज वेट कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 5.87 मींस 55.87। तो ये एक शॉर्टकट बनता है इस क्वेश्चन को करने का। हमने देखा कि गर्ल्स का वेट कितना कम है, उतना वेट निकाल के वो बॉयज में हमने ऐड कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13% अमंग 14 इज 78 केजी, वेट ऑफ 14th पर्सन इज 39 केजी मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल 14 पर्सन, फाइंड द वेट ऑफ 14th पर्सन, ठीक है जी। टोटल 14 बंदे हैं जी, वो बोलता है पहले 13 बंदों का एवरेज वेट 78 है, यानी 13 का अगर मैं टोटल लगाऊं तो 13 इंटू 78 हो गया जी हमारे लिए, ठीक है जी। अब बोलता है जो 14th पर्सन है उसका वेट 39 केजी ज्यादा है पूरे सभी की एवरेज से। मान लीजिए सभी की एवरेज कितनी है x, ठीक है जी। तो जो लास्ट बंदा होगा उसका एवरेज, उसका वेट कितना हो जाएगा, x प्लस 39 हो जाएगा, ठीक है। ये सभी का वेट आ गया टोटल, अपॉन बंदे कितने 14, ठीक है। और इनकी जो एवरेज हमें गिवन है वो दोस्तों कितनी गिवन है, x गिवन, ठीक है। हमें बताना है वेट ऑफ 14th पर्सन कितना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी। 78 इंटू 13 करेंगे, 78 इंटू 3 हमने किया, 8 3 था 24, 21 इंटू 23 234, ठीक है जी। तो 780 में 234 हम प्लस करेंगे, 1014 प्लस एक्स प्लस 39 इज इक्वल टू 14x हो गया जी, ये एक्स माइनस हो जाएगा, तो 13x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1014 में हम 39 प्लस करेंगे जी, ये हमारे पास प्लस करके आ जाएगा 1053। तो x की वैल्यू यहां से हम सॉल्व करते हैं जी, 1053 बाय 13 आएगा, तो 13 8 1041 81 आ गया जी हमारे पास x की वैल्यू। और लास्ट बंदे का उसने वेट पूछा था,
लास्ट बंदे का वेट था x प्लस 39, तो 81 प्लस 39 करेंगे कितना आ जाएगा जी 120 kg। तो जो लास्ट बंदा था उसका वेट कितना होगा 120 किलो का। आई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एवरेज ऑफ 25, 46 एंड y कितना है जी 11। हमें वैल्यू ऑफ y निकालना है। तीन नंबर्स हैं, एवरेज 11 दे रखी है, तो ऑब्वियस है कि अगर एवरेज 11 है तो सबका टोटल कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए। तो तीनों का टोटल 25 प्लस 46 प्लस y किसके बराबर है 33, तो इसमें से माइनस करेंगे, ये बन रहा हमारे पास 60 प्लस 71, तो y की वैल्यू आ जाएगी 33 माइनस 71, और 33 माइनस 71 हमारे पास आ रहा जी माइनस 38, तो y की वैल्यू हुई हमारे लिए माइनस 38। आई अगला क्वेश्चन। एवरेज ऑफ ए बी सी 20 इयर्स है, दो साल पहले ए और बी का जो सम था वो 6 मोर था जो सी का टोटल वैल्यू थी, हमें प्रेजेंट एज ऑफ सी निकालनी। अब हमें दो साल पुराना रिलेशन क्या बना, तो पहले हम दो साल पुरानी एवरेज निकालते हैं जी। टू इयर्स अगो अगर मैं बात करूं ए बी सी की एवरेज कितनी हो जाएगी जी, प्रेजेंट 20 साल है, तो दो साल पहले 18 हो जाएगी, यानी इनका टोटल कितना हो जाएगा 54, 18 × 3 करेंगे 54 इयर्स आ गया ए बी सी का। अब हमें ये बताया गया कि a प्लस बी, हमें ये तो पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी 54 है, और हमें ये बताया गया कि a प्लस बी का जो सम था वो 6 मोर देन c था, यानी a प्लस बी की वैल्यू c प्लस 6 हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम c प्लस 6 पुट करेंगे, तो 2c की वैल्यू 48 आई, c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे लिए 24। ये c की एज मिली, बट ये दो साल पुरानी एज है, हमें प्रेजेंट एज पूछा गया, तो इसमें दो ऐड कर देंगे जी, तो प्रेजेंट एज ऑफ सी कितना आ जाएगा 26 इयर्स आ जाएगा जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स, पहले 5 इवन नेचुरल नंबर्स जो हैं दोस्तों उनकी हमें एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है जी, ठीक है जी, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n even numbers which is 2 by 3 into n plus 1 into 2n plus 1, ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है, इसको हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए n कितना होगा दोस्तों, 5 हो गया जी, तो 5 प्लस 1 6, ठीक है, और 2n plus 1 कितना होगा हमारे लिए 11 हो गया जी, तो आंसर हमारे लिए कितना आ गया 44 आ गया। ये हमारे लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट ट्रिक बनती है एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट फर्स्ट 5। नेक्स्ट एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन अ कंपनी 14,000 है जी, एवरेज सैलरी ऑफ 5 टेक्नीशियंस 18,000 है, एंड एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्कर्स 13। दोस्तों हमें टोटल एम्प्लॉयज बताने हैं, टोटल वर्कर्स का पता है, टेक्नीशियंस का पता अदर, तो इसमें हम मिक्सर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जी। जो टेक्नीशियन है दोस्तों, ठीक है जी, उनकी सैलरी 18,000 है, अदर वर्कर्स, ठीक है जी, अदर वर्कर्स की सैलरी 13,200 है, और जो ओवरऑल है वो कितनी है दोस्तों 14,000, तो माइनस करेंगे 4,000 ये आ गया जी, 4,800 ये आ गया, तो रेशियो कितनी आई अगर मैं इसको कैंसिल करूं चार के टेबल पे, 1:12:6:5 आएगा मेरे पास दोनों की रेशियो, सॉरी यहाँ पे 800 है, ये आएगी मेरे पास रेशियो दोस्तों 1:5, यानी टेक्नीशियन 1 अदर वर्कर्स 5। अब मैं टेक्नीशियंस बताए गए हैं जी कितने हैं 5, तो अगर टेक्नीशियन 5 हैं जी तो अदर वर्कर्स कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, हमें पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने आ जाएंगे 30, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बैटिंग एवरेज ऑफ 27 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 47, हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर के बीच का डिफरेंस हमें गिवन है 157, अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 25 इनिंग्स बचती हैं उनकी एवरेज कितनी है 42, हमें हाईएस्ट स्कोर बताना है कितना है। तो टोटल जो इनिंग्स हैं दोस्तों 27 खेली हैं और एवरेज कितनी है 47, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें टोटल मिलेगा 27 × 47 आएगा 1269। अगर इन दोनों इनिंग्स को हम छोड़ दें बाकी कितनी इनिंग्स बची 25,
उनकी एवरेज कितनी है 42, तो इनको मल्टीप्लाई करके टोटल मिलेगा हमें, ये आ रहा है जी 1050। तो माइनस करने पे हमें दो इनिंग्स का टोटल मिल जाएगा, वो दो इनिंग्स कौन सी होंगी दोस्तों, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट माइनस करके आ गया हमारे पास 219, ये हाईएस्ट प्लस लोएस्ट हो गया। और हमें ये भी गिवन है कि हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस हमें बताया हुआ दोस्तों कितना है जी 157, तो बस इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2H की वैल्यू हमारे पास आ गई 376, और हाईएस्ट आ जाएगा 376 का हाफ यानी कि 188। तो हमें हाईएस्ट स्कोर ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज थ्री फ्रेंड्स इज 55, ठीक है जी, यानी टोटल चार बंदे हो गए, पी का वेट 4 kg ज्यादा है उनकी तीनों की एवरेज से, ठीक है जी, तो हमें बताना है पी का वेट कितना होगा। मान लीजिए कि उन तीनों का एवरेज वेट है एक्स, ठीक है जी, उन तीनों का एवरेज वेट क्या मान लेते हैं हम एक्स है जी, ठीक है, तो तीन बंदे हैं टोटल उनका कितना हो जाएगा 3x। अब जो p है, p का वेट उनकी एवरेज से 55 ज्यादा, यानी p का वेट होगा x प्लस 55, ठीक है जी, जो पहले तीन बंदों का होगा ये p का होगा, चारों का वेट जो बनता है वो कितना बनता है 55 into उसका जो वेट था वो x प्लस 4 था, ठीक है जी, तो 3x प्लस x प्लस 4 ये टोटल एवरेज बनती है हमारे पास 55 into 4, ठीक है जी, चारों की एवरेज, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 220, 4x की वैल्यू 216 आ जाएगी, और x हमारे लिए कितना हो जाएगा 54, x हमारे लिए कितना होगा दोस्तों 54, पूछा क्या गया p का वेट, और p का वेट कितना आ रहा है जी, यहां से p का वेट आ रहा है 54 प्लस 4, ठीक है जी, विच मीन्स 58 kg, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पांच बच्चे फैमिली के अंदर, उनकी एवरेज एज 15 साल है, चिल्ड्रन और उनकी फादर और मदर की अगर कंबाइन की जाए तो उनकी एवरेज कितनी है जी 25 साल, फादर और मदर के बीच का डिफरेंस 4 साल है, हमें एज ऑफ मदर निकालनी है, ठीक है जी, तो पांच बच्चों की एवरेज 15, यानी उनका टोटल कितना हो गया 5 into 15 75, ठीक है, अगर मदर फादर को इंक्लूड कर लिया तो 7 बंदे हो गए, उनका टोटल निकालते हैं जी वो कितना बनता है 175 बनता है, ठीक है। अब हमें टोटल इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे वो फादर और मदर की एज आ जाएगी, फादर और मदर की एज कितनी आ गई 100, ठीक है, अब हमें डिफरेंस बताया गया कि फादर और मदर के बीच 4 साल का डिफरेंस है, ठीक है, तो यहां से हम फादर की एज निकालेंगे 2 father is equal to 104, और फादर की एज यहां से हमें मिलेगी 4 years, ठीक है जी, तो फादर और मदर का डिफरेंस 4 आ गया, तो एफ, तो फादर की एज मेरे पास आई 52, फादर 52 आई जी, तो मदर की एज पूछी गई है, तो मदर की एज कितनी आ जाएगी 52 minus 4 48, तो मदर की एज आई हमारे लिए 48। नेक्स्ट एबीसी, एवरेज वेट हमें गिवन है 52 kg, एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी इज 44 एंड दैट ऑफ सी एंड ए इज 46, हमें वेट ऑफ सी निकालना है, ठीक है जी, तीनों का टोटल एबीसी का कितना बनेगा जी, एवरेज 52 है तो तीनों का टोटल बन जाएगा 156, इसमें से बी एंड सी का अगर मैं टोटल निकालूं, ठीक है जी, वो 44 बनता है, और सी एंड ए का कितना बनता है, ठीक है जी, 44 into 2, बी प्लस सी का वेट आता हमारे पास 88, सी प्लस ए का वेट आता हमारे पास 92, अगर मैं इनका टोटल लगाऊं यहां से तो ए प्लस बी प्लस 2c मुझे मिलता है 180, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे लिए कितना था दोस्तों 156, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है जी, ए बी कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24, तो सी का वेट पूछा गया था विच इज 24 kg, ये हमारे पास आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं जी, 20 नंबर्स की एवरेज कितनी दे रखी है पी,
अगर एक नंबर सेट में से रिप्लेस किया जाता है 58 के साथ तो एवरेज कितनी हो जाती है पी माइनस टू, हमें बताना है वो नंबर का जिसको रिप्लेस किया गया। ठीक है जी, एक नंबर निकाला उसकी जगह पे 58 आया जिसके कारण एवरेज कम हुई, तो एवरेज इफेक्ट इनटू टोटल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू टोटल इफेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं जी। यहां पे एवरेज इफेक्ट कितना आ रहा है, दो, क्योंकि एवरेज दो कम हुई है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है जी, 20, तो टोटल इफेक्ट कितना आएगा, 40। मतलब जो नया नंबर आया है वो 40 कम है जाने वाले से, नया नंबर 58 है जी, ये 40 कम है उससे, तो कितना होगा वो नंबर, 98 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला, 12 इंप्लॉइज की एवरेज सैलरी कितनी थी जी, 20,000। अगर मैनेजर की सैलरी को भी इंक्लूड किया जाए तो एवरेज कितनी हो जाती है, 22,000। हमें मैनेजर की सैलरी, सेम कॉन्सेप्ट उठाएंगे, 20,000 से 22,000 आई, एवरेज इफेक्ट कितना आया, 2,000। टोटल बंदे कितने हो गए, 13, 12 एम्प्लॉय थे, 13वां मैनेजर, तो टोटल इफेक्ट कितना आएगा जी, 26,000 आएगा, यानी इतना एक्स्ट्रा लेके आएगा मैनेजर, तो 20,000 तो था पहले से ही, ठीक है जी, 26 उसकी एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो मैनेजर की सैलरी कितनी बनेगी, 46,000। तो यही हमने उससे पूछा था, मैनेजर की सैलरी कितनी है, विच इज 46,000। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एबीसी एवरेज वेट 65 kg, ए और बी का 63.5 गिवन है, ए और सी का 67.5 गिवन है, हमें ए का वेट कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब देखिए एबीसी का टोटल अगर मैं निकालूं तो कितना बनता है दोस्तों, 195 बनता है, और ए और बी का टोटल यहां से कितना बनता है, 63.5 इंटू 2 करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 127। तो माइनस करने पे अगर इनको मैं माइनस करूं, सी का वेट मुझे मिलेगा 68। ठीक है जी, अब ए और सी का 67.5 एवरेज गिवन, तो ए और सी का अगर मैं टोटल निकालूं वो कितना निकलता है, 135, तो 135 में से मैं 68 को माइनस करूंगा, तो ए का वेट निकल आएगा जी 135 माइनस 68, ये मेरे पास आ जाएगा 67। तो ए का वेट पूछा था, विच इज 67 केज। आई नेक्स्ट देखते हैं, 12 नंबर्स की एवरेज कितनी है, 39, लास्ट 5 नंबर्स की एवरेज 35 है, पहले 4 नंबर्स की एवरेज 40 है, फिफ्थ नंबर 6 कम है 6 नंबर से और 5 ज्यादा है 7th नंबर से, हमें फिफ्थ और 6th नंबर की एवरेज निकालनी है। ठीक है जी, तो पहले तो 12 टर्म्स का हम टोटल करते हैं जी, 12 टर्म्स का टोटल आएगा 12 इंटू 39 करके 468। इसमें से आखिरी 5 की एवरेज 35 है, तो आखिरी 5 का टोटल कितना आ जाएगा, 175, और पहले 4 की एवरेज 40 है जी, 4 इंटू 40 है 160। तो 12 में से 9 नंबर्स का टोटल तो यही बन गया जी, ये माइनस कर देंगे टोटल, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 133। ये टोटल बन रहा हमारे पास 335, और 468 में से 335 करेंगे तो हमारे पास फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर और सेवंथ नंबर का टोटल आ जाएगा 468 में से 335 जब मैं माइनस करूंगा, ये आएगा मेरे पास 133। ठीक है, अब फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ का रिलेशन, फिफ्थ नंबर 6 कम है सिक्स्थ नंबर से और 5 ज्यादा है सेवंथ नंबर से, यानी अगर मैं फिफ्थ नंबर को x मानूंगा तो जो सिक्स्थ नंबर है वो x प्लस 6 हो जाएगा और जो सेवंथ नंबर है वो x माइनस 5 हो जाएगा जी। ठीक है जी, क्योंकि 5 का डिफरेंस था, इज इक्वल टू 133, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 133 और 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 132। तो यहां से हमें x मिल जाएगा, 3 4s are 12, x की वैल्यू 44 आई, हमें पूछा गया था एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी अब फिफ्थ नंबर हमारे लिए 44 है जी, सिक्स नंबर x प्लस 6 यानी 50 हो गया, इन दोनों की एवरेज बोलनी बोला है, तो 94/2 करेंगे कितना आएगा, 47 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली वाज 10,000 फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, 12,500 फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, 13,500 फॉर द लास्ट 5 मंथ्स, टोटल सेविंग्स ड्यूरिंग द ईयर भी गिवन है, एवरेज मंथली इनकम निकालनी है। अब मंथली इनकम
यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, पूरे साल का एक्सपेंडिचर पूरे साल की सेविंग निकाल के एड करके डिवाइड बाय 12 कर देंगे। तो पूरे साल का पहले एक्सपेंडिचर निकालते हैं जी, 10,000 इंटू 3, पहले 3 महीनों के अकॉर्डिंग चलते हैं, 30,000, 12,500 इंटू 4 अगले 4 महीनों का जी, ठीक है जी, 50,000, 13,500 इंटू 5 करेंगे आ जाएगा जी 67,500। ये पूरे साल का खर्चा आ गया, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। प्लस इसमें हमें और क्या जोड़ना है दोस्तों, सेविंग्स भी जोड़नी है, तो इसमें सेविंग्स भी साथ में ही ऐड कर देते हैं जी। सेविंग्स पूरे साल के हमें गिवन है 32,500, तो ये बन गया टोटल हमारे पास 180,000, ठीक है जी, 180,000 पूरे साल की इनकम है। हमें चाहिए एवरेज मंथली इनकम, तो 180,000 को हम क्या करेंगे दोस्तों, 12 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज मंथली इनकम कितनी निकलेगी, 15,000, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 स्टूडेंट क्लास के अंदर जिसमें 70% लड़कियां हैं बाकी बॉयज हैं, यानी कि गर्ल्स और बॉयज की रेशियो 7:3 हो जाएगी जी। एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन अ टेस्ट इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज। अगर मैं मार्क्स की बात करूं, उसकी रेशियो क्या बनती है, 6:5, यानी ये 6x हो गए, ये 5x हो गए मार्क्स। पूरे क्लास की एवरेज हमें गिवन है 57, हमें स्कोर ऑफ बॉयज पता करना है, यानी N1W1 वेटेड एवरेज 7 × 6 42x, 3 × 5 प्लस 15x डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 57। तो 57x बाय 10 इक्वल टू 57 आ जाएगा जी, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमें मिली 10। हमें पूछा गया एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज, एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज क्या था दोस्तों, 5x, तो एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज कितना बन जाएगा, 51, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ABCD चार पॉजिटिव नंबर्स सच दैट ए इज 3/4 times ऑफ बी, ठीक है जी, ए 3/4 times ऑफ बी है, यानी ए और बी की रेशियो 3:4, बी 4/5 times ऑफ सी, यानी बी सी की रेशियो 4:5, सी डी सी 3/8 times, ठीक है जी, वैसे करते हैं ये 4:5, और सी डी की रेशियो में अलग से गिवन है 3:8। तो पहले एबीसीडी की यहां से रेशियो निकालते हैं, यहां पे दोस्तों क्या आएगा, 4:4, यहां पे 5, यहां पे 4, यहां पे 3:3, तो ये रेशियो हम निकालते हैं, ये कितना आ जाएगा जी, 9 × 4 = 36, 16 × 48, 20 × 60, 20 × 8 = 107, ठीक है जी, ये कैंसल आउट करते हैं अब इसको, ठीक है जी, 2 के टेबल पे 18, ठीक है जी, 24, उसके बाद 30, उसके बाद 80, फिर 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 9, 12, 15, 40, ये रेशियो आ गई 9, 12, 15, 40। अब क्या बोलता है, एवरेज ऑफ 4 times ऑफ ए, यानी 4 times ऑफ ए ये हो गया 4a, एंड 7 times ऑफ डी, 7d, ये हमें गिवन है 316, ठीक है, हमें सबकी एवरेज निकालने को, अब क्या बोल रहा है, एबीसीडी की एवरेज निकालने को बोल रहा है, ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू निकालते हैं जी, 4a प्लस 7d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सॉल्व करके 632, 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 36x, 7d की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 280x इज इक्वल टू 632 आ गया, तो ये प्लस करके हमारे पास आ रहा 316x की वैल्यू आ रही है 632, और हमें चाहिए यहाँ पे सभी की एवरेज, x आ जाएगा यहां से हमारे लिए 2, ABCD की एवरेज निकालनी है, तो ABCD की एवरेज कितनी बन रही है, सबको टोटल करेंगे, ठीक है, 55 + 12 = 67, 67 + 9 = 76, ठीक है जी, 76x/4, ये इनकी एवरेज है, ठीक है जी, तो 76 × 2/4 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 38, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 24th का आएगा जी, ऑप्शन नंबर सी। आई अगला, 11 नंबर्स की एवरेज कितनी गिवन है, 56,
पहले तीन नंबर्स की एवरेज 52 है, अगले पांच की एवरेज 60 है, नाइन्थ एंड टेंथ नंबर जो है वो तीन और एक ज्यादा है इलेवंथ नंबर के मुकाबले, हमें नाइन्थ और इलेवंथ की एवरेज निकालनी है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था दोस्तों, आइए ट्राई करते हैं। पर टोटल 11 नंबर्स, एवरेज 56, तो टोटल हो जाएगा 56 × 11 विच इज 616। पहले तीन, तीन की एवरेज है 52, तो 52 × 3 हो जाएगा 156। अगले पांच, अगले पांच की एवरेज 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 300। तो 456 ये बन गया दोस्तों, 616 में से 456 माइनस करेंगे, आठ नंबर हो चुके हैं, बचे आखिरी तीन नंबर, यानी कि कौन कौन सा नंबर बचा, नाइन्थ, टेंथ और इलेवंथ। अब इनका अगर टोटल निकालू तो 616 में से 456 क्या करूंगा, माइनस करूंगा, ये बन रहा है 160। अब हमें इनका रिलेशन गिवन है कि नाइन्थ और टेंथ तीन और एक ज्यादा है ग्यारहवें से, अगर ग्यारहवां नंबर x है तो नाइन्थ नंबर x प्लस तीन है और ये x प्लस एक, तो इन तीनों का टोटल मारेंगे कितना बन जाएगा 160। तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 160, 3x कितना आ जाएगा 156, x आ गया हमारे लिए 52। ठीक है, हमें नाइन्थ और इलेवंथ यानी इनकी एवरेज पूछी जा रही है, ठीक है जी। तो नंबर हो गया 52 और 55 की हमें एवरेज निकालनी है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये सॉल्व करके आ रहा हमारे पास 53.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ द रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 20 मैचेस इज 35, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मैचेस 45 है, तो आखिरी 8 मैच की, बहुत आसान है जी, 20 × 35 करेंगे, ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 700, 12 का कितना है 45, तो 12 × 45 करेंगे, ये दोस्तों हमारे लिए हो जाएगा 540, इसको माइनस करेंगे 160 बचा, तो 8 जो मैच बचे उनका टोटल 160 है, तो एवरेज कितनी हो जाएगी 160/8 यानी कि 20, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डेली एवरेज रेनफॉल ऑन 5 डेज ऑफ अ वीक 30 mm, 6th एंड 7th डे की अलग अलग वैल्यू गिवन है, सभी 7 दिन की एवरेज निकालनी है, तो 30 × 5 150 प्लस इसमें 42 और 55 कर देंगे 25, जो बाकी 2 दिन है, ये हमारे पास टोटल आ रहा है दोस्तों करके 150 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 7, ये एवरेज हमें निकालनी है, ये हो जाएगा 217/7, आंसर इज 31, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 13 नंबर्स की एवरेज हमें गिवन है जी 42, अगर 14th को इंक्लूड किया जाए तो एवरेज कितनी हो जाती है 44, हमें 14th वही एवरेज इफेक्ट देंगे जी, 42 से 44 होगी, एवरेज चेंज कितना आया 2, टोटल ऑब्जर्वेशन होगी 14, तो यानी टोटल इफेक्ट कितना आएगा 28, यानी जो 14th नंबर है वो 28 ज्यादा है पहले की एवरेज, तो 42 में 28 हम करेंगे प्लस, कितना आ जाएगा आंसर 70, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं जी, 4 नंबर्स की एवरेज कितनी गिवन है 20, पहले 2 नंबर्स की एवरेज कितनी है 15, तो हमें बताना आखिरी 2 नंबर्स की एवरेज कितनी होगी। अब देखो दोस्तों, टोटल 4 नंबर्स जिसकी एवरेज 20, इसमें से पहले 2 नंबर्स की एवरेज कितनी है 15, यानी माइनस 10 है, तो अगले में प्लस 10, सॉरी माइनस 5 है, तो अगले में क्या करना पड़ेगा, प्लस 5 करना पड़ेगा, यानी अगले 2 नंबर्स की एवरेज कितनी होनी चाहिए 25 होनी चाहिए। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन 3:1 है, प्रोडक्ट ऑफ एजेस कितना है 432, हमें सम ऑफ एज निकालना है, ठीक है जी, हमें प्रोडक्ट गिवन है यानी 3x × 1x 432, तो 3x² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 432, तो इसको सॉल्व किया 1 1 3 4 12 1 2 x² की वैल्यू 144x कितना आ गया 12, हमें सम ऑफ एज चाहिए, सम ऑफ एज कितना हो रहा है जी 4x, तो 12 × 4 करेंगे कितना आ जाएगा 48। हाँ जी दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो एवरेज चैप्टर में से, जिसमें हमने CGL के या और भी SSC के जो एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश की ताकि स्पीड बिल्डअप हो सके,
इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट में अगली वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें हम और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ ऐसी वीडियोस के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।